Welcome to the yet another session of subject system analysis and design. The topic of today's discussion is feasibility study. तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है और वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी. सो फिजिबिलिटी स्टडी मींस गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इन डिटरमिन वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज द इम्पॉर्टेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट दैट मस्ट बी मैनेज्ड इफ द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड. तो फिजिबिलिटी स्टडी में अब हम ये डिसाइड करेंगे क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए. हाँ, अगर हम करना चाहते हैं तो भी वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन सी दिक्कतें हमें आगे चल के आ सकती हैं. तो फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स टू डिटरमिन टू वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो identifies the important risks associated with the project. तो आपने सबसे पहले यूजर से रिक्वायरमेंट ले ली, अब उसका एनालिसिस कर लिया, अब हमें करनी है फिजिबिलिटी स्टडी कि क्या हमें वाकई ये प्रोजेक्ट करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट में आगे चल के हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं. ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे इन फिजिबिलिटी स्टडी. तो बेसिकली in very simple words, feasibility study means to decide whether to proceed with the project, whether we can do this project or not. और इसके अलावा हमें सिर्फ ये decide नहीं करना कि हम ये project कर सकते हैं, हमें ये भी decide करना है कि आगे चल के कौन कौन से वो risk हैं जो इस project में आ सकते हैं अगर हम इस project को through करते हैं. Now, the feasibility study is basically divided into three categories: technical feasibility, economic feasibility, and organizational feasibility. Technical feasibility में हम सारे technical aspect करेंगे कि क्या हम technology किस टेक्नोलॉजी को यूज करके करेंगे, क्या उस टेक्नोलॉजी में के साथ हम फेमिलियर हैं, क्या उस टेक्नोलॉजी में हम वाकई काम कर सकते हैं. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मींस उसके साथ रिलेटेड जितने भी फाइनेंसेस हैं, कितना हमारा खर्चा होगा, कितना हमें उसका रिटर्न होगा, क्या जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिटर्न से ज्यादा ना हो जाए. तो जो भी पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स हैं, वी विल कंसिडर दैट इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी कि क्या जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर करेगा तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन फिजिबिलिटी स्टडी. तो फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स टू डिटरमिन वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो identifying the risk associated with the project. So, feasibility study में हम ये decide करेंगे कि क्या हम project करेंगे, अगर हम करेंगे तो कौन कौन सी वो problems हैं that can be there if we'll proceed with the project. तो चलिए जी सबसे पहले देखते हैं technical feasibility. So, basically in technical feasibility we will try to find out the answer of the question, can we build it, क्या हम ये बना सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है इन टेक्निकल फिजिबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सेस द प्रोजेक्ट, द एक्सटेंट टू विच सिस्टम कैन बी सक्सेसफुली डिजाइंड डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द आईटी ग्रुप. तो इट मींस हम सारी उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है इन डिजाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द आईटी ग्रुप.
The key features of technical feasibility study are familiarity with the application. कि आज जो हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, क्या हमने ऐसी पहले कोई एप्लीकेशन बनाई है, क्या हमारा हम फेमिलियर हैं कि एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं टेक्निकली. दूसरा है जी फेमिलियरिटी विद द टेक्नोलॉजी, क्या जिस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे हम उसके साथ फेमिलियर हैं. अगर हम फेमिलियर नहीं हैं विद द टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू जनरेट सो मैनी प्रॉब्लम्स. द थर्ड पॉइंट इन टेक्निकल फिजिबिलिटी इज प्रोजेक्ट साइज, कि उस प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा जिसे हम बनाना चाहते हैं. जितना बड़ा साइज होगा उतने रिस्क ज्यादा, जितना साइज कम होगा उतने रिस्क कम रहेंगे. द फोर्थ पॉइंट इन टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी इज कंपैटिबिलिटी. तो कंपैटिबिलिटी मींस कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्या वो किसी और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना है. अगर हाँ इंटीग्रेशन होनी है तो उतना ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आपको अगर आपके आपको किसी अपने प्रोजेक्ट को नए प्रोजेक्ट को किसी पुराने के साथ इंटीग्रेट करना है तो दोनों के बीच में आपको कंपैटिबिलिटी बिठानी पड़ेगी. तो आपको नए प्रोजेक्ट के साथ साथ पुराने प्रोजेक्ट को भी फुली स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप नए प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर पाओगे. सो इन टेक्निकल फिजिबिलिटी वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कैन बी बिल्ट इट, क्या हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं. तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या हमारे पास वो सारी टेक्निकल स्किल्स हैं जिसको यूज करके हम सक्सेसफुली सिस्टम को डिजाइन डेवलप और इंस्टॉल कर पाए. तो इसके लिए आपको की पॉइंट्स कौन से हैं दैट यू नीड टू कंसीडर इन टेक्निकल फिजिबिलिटी. द फर्स्ट इज वेदर यू आर फेमिलियर विद द एप्लीकेशन. जितना आप एप्लीकेशन के साथ फेमिलियर कम होंगे उतने ही रिस्क ज्यादा होंगे. द सेकेंड इज वेदर यू आर फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी दैट यू आर गोइंग टू यूज. जैसे सपोज कीजिए आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया और उसमें आपने सोचा कि मैं नोड जेएस में ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो क्या आपको आपने नोड जेएस में पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया है, क्या आपको उसकी पूरी नॉलेज है कि उसमें प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और कैसे डिप्लॉय करते हैं. अगर आपने पहले से उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, इट मींस यू आर नॉट फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी. तो जितना आप टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर कम हो उतने ही रिस्क ज्यादा हो जाते हैं. द थर्ड इज प्रोजेक्ट साइज, कि जो प्रोजेक्ट हम करने की सोच रहे हैं उसका साइज क्या है. अगर उसका साइज बहुत बड़ा है एंड वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस टू बिल्ड सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन द रिस्क विल बी इंक्रीज्ड. एंड द फोर्थ इज कंपैटिबिलिटी, क्या जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको किसी पुराने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करना है, उसके साथ जोड़ना है. अगर आपको ऐसा करना है देन यू नीड टू गेट द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो. अगर आपको एग्जिस्टिंग की नॉलेज नहीं होगी देन यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली इंटीग्रेट यूर न्यू प्रोजेक्ट विद द ओल्ड सिस्टम. The second consideration is economic feasibility. In economic feasibility, we will try to find out the answer of should we build it? क्या हमें ये बनाना चाहिए? तो इसमें हम सारे करेंगे cost benefit analysis. अब ये cost benefit analysis क्या होता है आगे चल के हम पूरा detail में देखेंगे. Cost benefit analysis means कितनी इन्वेस्टमेंट करने से कितनी हमारी रिटर्न होगी. तो सपोज कीजिए दिस बार रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट एंड दिस बार रिप्रेजेंट्स द रिटर्न. कितनी इन्वेस्टमेंट करने से कितना पैसा लगाने से कितना पैसा वापस आएगा. अब देखिए दिस बार नंबर वन रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट.
अब मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और रिटर्न कम हो रहे हैं, तो इट मींस ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो ऐसा प्रोजेक्ट मैं नहीं करूंगा। अब ये जो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आ जाता बेसिकली वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द सिस्टम। वो कैसे करेंगे? बाय असाइनिंग द वैल्यूज टू देम, कैलकुलेट फ्यूचर कैश फ्लोज एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल वर्थीनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि मेरा टोटल कितना पैसा लगेगा और कितना मुझे वापस आएगा। अब वापस आपको वन गो में भी आपको कंसिडर करना है और लॉन्ग रन में भी कंसिडर करनी है आपको ये चीजें। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में वी विल कंसिडर ऑल द फाइनेंसेस। तो बेसिकली फाइनेंसेस में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी, हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, हमारे एनुअल बेनिफिट्स क्या होंगे और इनटेंजिबल बेनिफिट्स और कॉस्ट क्या होंगी, इनडायरेक्ट इनविजिबल। तो हर प्रोजेक्ट में कुछ आपकी इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, तो इसी तरह से विजिबल बेनिफिट्स भी रहते हैं। यू नीड टू कंसिडर दोज थिंग्स आल्सो जो डायरेक्टली आपको आ रही चीजें। तो इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑल द फाइनेंसेस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी और प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न्स क्या मिलेंगे। द थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। इन ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ इफ वी बिल्ट इट विल दे कम, तो क्या अगर हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस थिंग। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं दैट वी नीड टू कॉन्फिगर, दैट इज द बेसिक फैक्टर्स आर इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एंड सीजन डेवलपर्स नो द ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट फिजिबिलिटी डायमेंशन टू एक्सेस। तो अब सभी जो आपके मैच्योर्ड डेवलपर्स हैं, पुराने डेवलपर्स हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो ये सारी चीजें जानते हैं कि टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये थोड़े से इजी हैं क्योंकि आप हर चीज को वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी सबसे मुश्किल चीज है क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों के मन को पढ़ना पड़ता है। अब मन को पढ़ना, उनकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स को पॉइंट में स्केल करना बहुत ही मुश्किल काम है। सो ये सबसे मुश्किल चीज हो जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में की स्टेप्स क्या हैं? तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपने स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं जी? स्टेक होल्डर आर द पर्सन और द पीपल हु कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड बाय द सिस्टम। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं या सिस्टम उनको अफेक्ट कर सकता है। तो दोनों तरह के लोग, जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं या जो सिस्टम से इफेक्टेड होंगे, दे आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। सो पर्सन और पीपल हु कैन अफेक्ट द सिस्टम और कैन बी अफेक्टेड बाय द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में आपको अपने स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं या वो कौन लोग हैं जो हमारे सिस्टम से अफेक्टेड हो सकते हैं। सो बेसिकली स्टेक होल्डर्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, चैंपियंस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिस्टम यूजर्स। चैंपियन वो होते हैं जी जो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स जी वो होते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में सारा जानते हैं कि क्यों बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है, बजट्स क्या रहेंगे, और ये एनकरेज करते हैं यूजर्स को। और सिस्टम यूजर्स वो होते हैं जो सिस्टम को यूज करते हैं।
तो आपको इन तीनों स्टेक होल्डर्स को ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जो सिस्टम से अफेक्ट होंगे और द पर्सन और द पीपल हु विल बी अफेक्टेड बाय द सिस्टम. फिर उनको स्टडी करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, उनके यूजेज पैटर्न को समझना. यू विल बी परफॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी. लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी करने के फायदे क्या हैं? सो इट इम्प्रूव्स द प्रोजेक्ट टीम्स फोकस. प्रोजेक्ट की टीम का फोकस जो है वो इंक्रीज कर देगी, क्योंकि आपको इसके फायदे नुकसान सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लगेंगी, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि वेदर वी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट और नॉट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट आया, एनालिसिस किया, उसका रिक्वायरमेंट को समझा, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए. तो उसमें आपको तीन चीजें फिर कंसिडर करनी है, जैसा हमने डिस्कस किया. टेक्निकल फिजिबिलिटी कैन बी बिल्ट इट, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी शुड बी बिल्ट इट, एंड द थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी. इफ वी बिल्ट इट, विल दे कम? सो इट विल नैरो द बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाइड वैलिड रीजन टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट. It will increase the chances of the success by considering all the parameters, finances related parameters, user related parameters. It also helps you to make the important decision in the project. क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं decide करना कि whether we should proceed with the project, हमें ये भी decide करना है कि आगे चल के क्या दिक्कतें आ सकती हैं. तो ये सारी चीजें आपके project को successful करने में और future decision लेने में हेल्प करेंगी. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी. तो आज हमने डिस्कस किया फिजिबिलिटी स्टडी होता क्या है. फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट और नॉट. एंड इफ वी हैव डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. एक बार हमने अगर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया कि कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो तीन चीजें हम तीन पैरामीटर्स पे डिसाइड करेंगे. ये चीजें टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल. टेक्निकल में हम सारे टेक्निकल एस्पेक्ट लेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी के साथ हम फेमिलियर हैं, कंपेटिबिलिटी कैसी रहेगी उसके पुराने सिस्टम के साथ. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम सारे फाइनेंसेस कंसिडर करेंगे कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी और उससे रिटर्न क्या आएगी. ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी में हम सभी स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके. कैन बी बिल्ट इट, टेक्निकल फिजिबिलिटी शुड बी बिल्ट इट, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड इफ वी बिल्ट इट विल दे कम विल बी आंसर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी. सो दैट कंक्लूड्स द टुडेज सेशन. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए.